आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 के रहवासियों ने दीपावली पर गरीब बच्चों को खुशियां देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू करते हुए वार्ड में ही रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को कपड़े, साइकिल, खिलौने सहित अन्य सामग्री वितरित की। इस दौरान इन नन्हे चेहरों में खुशियां देखी गई। सभी बच्चे खिलौने सहित अन्य सामग्री पाकर खेलते और मस्ती करते नजर आए। वार्ड पार्षद सतीश सिंह ने बताया कि वार्ड के निवासी मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह की प्रेरणा से आज वार्ड 9 वासियों ने मोहल्ले की ही बसोर बस्ती में हमारे घरों में उपयोग न आने वाली वस्तुओं का वितरण किया है, जिसमें वार्ड 9 पार्षद सतीश सिंह, अनूप सिंह, रज्जी जान, शरद भाई, एडवोकेट कृष्णम शुक्ला, प्राचार्य रमाकांत शर्मा, अशोक सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्षद सतीश सिंह ने बताया कि मोहल्ले के लोगों ने घर में न उपयोग होने वाली काफी मात्रा में सामग्री एकत्रित की थी और इसे बसोर बस्ती के बच्चों के बीच ले जाकर वितरित किया गया है, जिसे सभी बच्चों ने हंसी खुशी प्राप्त किया है। इस दौरान वार्ड 9 के निवासियों, शहर के अन्य मोहल्ले के रहवासियों से अपील की है कि सभी लोग इसी तरह अपने घरों में उपयोग न होने वाली सामग्रियों को एकत्रित करें और आसपास के स्लम या गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बीच वितरित करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे घर में उपयोग न होने वाली सामग्री उनके किसी काम आ जाए।